अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सागर वेब न्यूज़ चैनल और मैं हूं राणा नईम अहमद राजपूत। दुनिया भर में जारी मौलिक बीमारी कोरोना वायरस ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया, जिसकी वजह से हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शदीद मुतासिर। कोरोना वायरस से आवाम को एहतियात तदाबीर और अमल करते हुए हुकूमत के अहकामात पर अमल करना होगा। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी टंडवाद मसगर लिबासी की निगरानी में साबिक तालुका नाजम गुलाम मुर्जा जोनेजो की हिदायत पर UC 4 UC 5 में सफाई सुथराई और मच्छर मार और जरासीम कुछ स्प्रे करवाया गया। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर सराज शेख, हमीद बलोच, कौंसलर डॉक्टर खलील, कौंसलर मोहम्मद खान मरी, समाजी रहनुमा राणा मुख्तार, खुदा बख्श जतोई, तनवीर रांझाणी, नादर अली, कौंसलर शाकिर शेख, जमील भट्टी भी हमरा थे। इस मौके पर साबिक तालुका नाजम गुलाम मुर्जा जोनेजो और चेयरमैन असगर लिबासी का कहना था कि अवामी इज्तिमात से मुकम्मल इज्तनाब करना होगा। उन्होंने टंडवादन के शहरियों से अपील की है कि वो खुद को घरों में महफूज कर लें और अपने रब के हजूर इस्तगफार और दुआएं मांगें, इस मुहल्लिक बीमारी और आफत से बचाएं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें और खुद को भी साफ माहौल में ढालते हुए मुहल्लिक बीमारियों का मुकाबला करें। हमारा मजहब भी इस बात का दर्स देता है कि उन्होंने मुखिर हजरात से ये भी अपील की है कि वो इस मुश्किल घड़ी में अपने भाइयों को न भूलें, उनके खाने पीने राशन की तकसीम के सिलसिले में जारी रखें। उन्होंने साफियों, सिविल सोसाइटी, इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में अपने जानों की परवाह किए बगैर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम को मिलकर इस जंग को जीत लेंगे। सांगर न्यूज़, राणा मोहम्मद सुलेमान।